तो दोस्तों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से पाठ्यक्रम वाले छात्रों का एडमिट कार्ड कल 27 अगस्त को शाम 8 बजे जारी कर दिया गया है। काफ़ी सारे छात्रों का सवाल है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, वो भी मोबाइल फ़ोन से, और परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, मिस मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कतें आ रही है, तो इसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 easy steps। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें। इसके बाद अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करें और सबमिट करें। फिलो आपको 60 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके डाउनलोड कर ले। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या दोस्तों आप लोग खबरी सपाटा पर आ जाइए, और आने के बाद सिंपली आप लोग उस पर फर्स्ट पेज पे क्लिक कर देना। फिर से आपको यहाँ पे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और पाठ्यक्रम वाले पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सारा डिटेल में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, पढ़ लीजिए। इसके बाद आप लोग का जो भी स्ट्रीम है सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग को यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आएगा। अगर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी ओपन बता रहा है तो सिंपली ऑल ब्राउजर को क्लोज कीजिए और फिर से ओपन कीजिए, हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आप लोग को पाठ्यक्रम रिजल्ट पे आना है और यहाँ पे अपना रोल नंबर दे देना है और सर्च कर देना है। सर्च करते ही दोस्तों आपको फास्ट में और जल्दी आप लोग का एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आप लोग अपना यहाँ पे सारा डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग कॉमर्स के छात्र हैं तो उसमें आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि पाठ्यक्रम के ऑल स्टूडेंट हैं, और इसके बाद आपका रोल नंबर, एंसर आई डी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर, ये सभी जानकारी यहाँ पे दे दी जाती है। इसके बाद कैंडिडेट का नेम, उनके फादर्स का नेम, कॉलेज कोड और कॉलेज सेंटर कोड और दोनों का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे भी आपको सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि दोस्तों पेपर नंबर, और पेपर नंबर जैसे 5, 6, 7 और 8 ऑनर्स हुआ आपका। इसके बाद पेपर नेम और सेटिंग और एग्ज़ाम डेट, जो एग्ज़ाम डेट है ये नई बार, इस बार पहली बार जोड़ी गई है, ये काफ़ी छात्रों के लिए अच्छा होने वाला है, ताकि जो भी छात्र को शेड्यूल समझ में न आए उन छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज़ आप लोग जो OMR सीट फिलअप करेंगे वो ब्लैक और बॉल पेन से आपको फिलअप करना है, इसलिए आप लोग को एक ब्लैक पेन बॉल पेन लेके जाना है, और उसके बाद प्रिंसिपल से सिग्नेचर और मोहर करवा लेना है आपको अपने कॉलेज में जाके। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, और भी जानकारी आप लोग को यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, और आप लोग ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल से सिग्नेचर और मोहर करवाना इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, तो वो आपको करवाना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पेपर कोड, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे हॉल में तो उस पेपर कोड के यहाँ पे नोट करना है, पेपर नेम और एग्ज़ाम डेट और कॉपी नंबर और सिग्नेचर टीचर का जरूर अवश्य करवा लेना है, तभी आपको एडमिट कार्ड वैलिड होगा कि हाँ आपने एग्ज़ाम में बैठा है। सिंपली इसके बाद प्रिंट आउट पर क्लिक कीजिए, और प्रिंट आउट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेटर में A4 साइज सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छा से PDF डाउनलोड हो सके। सिंपली आप लोग को उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और आपका PDF आपके मोबाइल में ड्राइव में सेव हो जाएगा। होने के बाद सिंपली आप चाहे तो अपना ड्राइव को ओपन करके और देख सकते हैं, और सारा जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोग को प्रिंट आउट करवा लेना है। करवाने के बाद सिंपली आप लोग को अपने कॉलेज में चले जाना है। कॉलेज में जाने के बाद सिंपली आप लोग को प्रिंसिपल से सिग्नेचर और मोहर करवा लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का एडमिट कार्ड वैलिड हो जाएगा और आप लोग जाके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कोरोना वैक्सीन लेना है या नहीं, इस पर डॉक्टर मुश्ताक अहमद कुल सचिव बताए हैं। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में मिल जाएगा या चैनल के एंड में, तो वीडियो जाके जरूर देखें।